नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दुनिया में अब तक कोरोना से कितने लोगों की हुई मौत और कितने प्रतिशत घटी आबादी, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों संक्रमित हो चुके हैं और 1.67 लाख मौत हो चुकी है। इतनी भारी मात्रा में हुई मौतों से पूरी दुनिया हिल चुकी है। इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में अब तक पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है, जहां कोरोना मरीज सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1997 लोगों की जान गई है। इसके साथ साथ यहाँ मौत का आंकड़ा करीब 41,000 हो गया है। यहाँ अब तक संक्रमण के 7,65,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। उधर न्यूयॉर्क में 24 घंटे में 507 लोगों की हुई मौत। एक दिन पहले यहाँ 778 जाने गई थी। हम आपको बता दें दोस्तों, राज्य में अब तक 18,298 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा है कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या कम हो रही है। अगर डाटा ऐसा ही रहा और संक्रमण के मामले में कमी आती रही तो कहा जा सकता है कि स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। उधर दोस्तों, अमेरिका के अस्पताल में भर्ती 440 मरीजों पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसके लिए स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, इसकी जानकारी कंपनी ने दी है। कुछ दिनों पहले ही भारत ने अमेरिका, ब्राज़ील, इसराइल, UAE, पोलैंड समेत कई देशों को यह दवा भेजी है। साथ दोस्तों, ट्रंप ने कोरोना के इलाज के लिए मलेरिया के दवा के इस्तेमाल किए जाने का समर्थन किया। मलेरिया के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरीन का इस्तेमाल काफ़ी पहले से होता आ रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों, WHO ने घोषणा की है कि दुनिया भर में 24 घंटे में 81,153 मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही 6,463 लोग मारे गए हैं। शनिवार की तुलना में रविवार को कम केस मिले हैं। पिछले दिनों के मुकाबले 4,000 कम मरीज मिले और 247 कम मौतें दर्ज की गई। दोस्तों, यूरोप में 11 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, वहीं यहाँ मौत का आंकड़ा भी 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। एक WHO के सचिव ने G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों को कोरोना से संघर्ष कर रहे गरीब देशों की मदद करने की अपील की। दोस्तों, अगर हम बात करें स्पेन की, तो वहां पर कोरोना के केस में मौतों की कमी आई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की तुलना में स्पेन में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हुई है। स्पेन में 419 और लोगों की मौत हुई, जबकि 4,258 केस मिले। यहाँ मौतों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। एक दिन पहले यहाँ 565 लोगों की मौत हुई थी। वहीं देश में संक्रमण के मामले 2 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ अब तक 20,852 लोगों की मौत हो चुकी है।